तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं 30x40 की बेस्ट प्लानिंग के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर और आपको अच्छी लगेगी। ये उसका एलिवेशन है, लेकिन हम एलिवेशन बाद में देखेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम प्लानिंग समझ लेंगे तो एलिवेशन समझना आसान हो जाएगा। चलिए सीधा देखते हैं हम प्लानिंग के ऊपर। ये है हमारे पास ग्राउंड फ्लोर का प्लान। ग्राउंड फ्लोर का जो प्लान है, इसमें यहाँ पर एंट्रेंस है, हम एंट्रेंस से अंदर जाते हैं। यहाँ पर हमें मिलता है पोर्च, जिसका साइज है 10 फीट 4 इंच बाय 16 फीट का। यहाँ पर हम जैसे अंदर जाते हैं तो हमें कुछ ओपन एरिया मिलता है जो कि 5 फीट है। ये एक लग्जरी डिजाइन किया गया है और बनेगा, अभी और भी इसमें वर्क चल रहे हैं जो कि डेवलप होंगे। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमें मिलता है बरांडा, जिसका साइज है 6 फीट 8 इंच बाय 6 फीट 4 इंच का। यहाँ पर हमें एक लॉन के जैसे मिलता है, लॉन जो है हमारा वो है 19 फीट बाय 10 फीट 4 इंच का। यहाँ से हमें एक अंदर के लिए डोर मिलता है। अब हम बात करें अगर डोर की, तो यहाँ पर है ड्राइंग हॉल। ड्राइंग हॉल जो है जिसका साइज रहेगा 19 फीट 4 इंच बाय 14 फीट 4 इंच। अगर यहाँ से बात करें हम, तो स्टेयर है और स्टेयर का जो पिछला हिस्सा है वो ओपन रहेगा, जो कि 5 फीट वाइड है। अब अगर हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ पर 3 फीट वाइड पैसेज दिया गया है और यहाँ पर है हमारी किचन। अगर यहाँ पर किचन की बात करें तो किचन जो है वो है 9 फीट 4 इंच बाय 10 फीट का। और यहाँ पर हमें एक बेडरूम मिलता है जिसका साइज है 12 फीट बाय 10 फीट का। यहाँ पर आपको एक विंडो मिल जाती है जिससे ओपन स्पेस से सनलाइट वगैरह की दिक्कत खत्म हो जाएगी। पीछे 22 फीट बाय 4 फीट यानी कि इसकी जो चौड़ाई रहेगी, इस तरह से आप यहाँ से देखिए जो कर्सर चल रहा है, ये रहेगा हमारा 4 फीट। और यहाँ पर जो पूजा रूम है वो रहेगा हमारे पास 7 फीट। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत कुछ वास्तु के अकॉर्डिंग भी है और बहुत सारा वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं भी है, लेकिन ये एक लग्जरी बनाना था और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो है उन्हें वास्तु से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं थी, इस कारण इसका इस तरह से डिजाइन किया गया। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट फ्लोर की। फर्स्ट फ्लोर में जैसे कि हम यहाँ से आते हैं तो लॉबी में आ जाते हैं। लॉबी जो है इसका साइज है 6 फीट 4 इंच बाय 10 फीट का। यहाँ से बाहर आते हैं आप सेटआउट पर, सेटआउट का साइज है 11 फीट 8 इंच बाय 6 फीट का। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर बेडरूम मिल जाता है, बेडरूम का साइज है 12 फीट बाय 10 फीट का। यहाँ पर हमें एक बड़ी सी विंडो मिल जाती है जिससे सामने में देखने के लिए बहुत ही अच्छा और सुंदर लगता है। अब यहाँ पर हम ड्रेसअप की बात करें तो हमें 4 फीट 8 इंच बाय 4 फीट का एक ड्रेसअप मिल जाता है और यहाँ पर टॉयलेट 7 बाय 4 का मिल जाता है। अब बात करें हम पीछे के पोर्शन की, तो यहाँ से लॉबी पर आ जाते हैं आप और एक बेडरूम आपको यहाँ मिल जाता है जिसका साइज है 12 फीट बाय 10 फीट का। और यहाँ पर बीच में एक टॉयलेट है जो कि 4 बाय 6 की है। यहाँ पर कवर्ड वगैरह मिल जाते हैं आपको और अगर इसकी बात करें तो ये ओपन टेरेस मिल जाता है हमें 13 फीट बाय 10 फीट 4 इंच का। इस हिसाब से हमारी हो जाती है प्लानिंग। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एलिवेशन के बारे में। इससे पहले आप इसका एक छोटा सा ओवरव्यू देख लीजिए जिससे आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। यहाँ पर हमें एक लॉन मिल जाता है, एंट्रेंस, पोर्च, यहाँ पर एक ड्राइंग हॉल, एक बेडरूम मात्र और एक किचन पीछे स्पेस छोड़ा गया है। यहाँ पर बात करें तो ऊपर एक बेडरूम मिलता है और यहाँ पर एक बेडरूम, यानी कि इस तरह से आपके पास 3 बेडरूम हो जाते हैं ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर में। यहाँ पर जो स्लैब रहेगी वो डबल हाइट की रहेगी, यानी कि स्लैब जो है वो डायरेक्ट सेकंड फ्लोर पर डलेगी, बीच में नहीं डालेगी फर्स्ट फ्लोर पर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं हम इस पे फर्स्ट फ्लोर की बात, ये एलिवेशन की बात। एलिवेशन जो है यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से हमारी एंट्री है कुछ और इस तरह से यहाँ पर विंडो आ रही थी। जो विंडो यहाँ पर आ रही थी ये देख सकते हैं आप, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जो विंडो आ रही थी हमारी यहाँ पर, वो विंडो आपको यहाँ पर ये दिख रही है और ऊपर भी वही विंडो आपको दिख रही है, ये वाली विंडो। अब ये दोनों विंडो की बात हो जाती है। यहाँ पर हमें जो दिख रहा है वो बरांडा है और उसके बाद एक पोर्च के साथ अंदर जाते हुए पट्टा, और ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर ओपन स्पेस है और यहाँ पर स्टेयर है। अगर हम इसके कैसे दिखने में, तो वैसे सुंदर दिख रहा है अभी इसका 3D होगा, लेकिन अभी किस तरह से बनेगा ये आप देख लीजिए। ये रहेगा हमारा प्लस 8 इंच, यानी कि 8 इंच बाहर की ओर रहेगा। ये हमारा डबल हाइट का कॉलम रहेगा और ये जो है सिंगल पर रहेंगे। यहाँ पर 8 इंच प्लस रहेगा हमारा और ये जो 0 इंच है ये है हमारा लेवल, इससे प्लस माइनस होंगे। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बहुत सारे वीडियो में। ये प्लस 4 इंच रहेगा, यहाँ पर प्लस 4 इंच के हैं, ये प्लस 12 इंच रहेगा यानी कि बाहर की ओर रहेगा, प्लस 18 इंच यानी कि 1.5 फीट ये बाहर की ओर रहेगा, और यहाँ पर ये लेवल है हमारा और यहाँ से प्लस
आपको 24 इंच दिखाई देता होगा। ये देखिए, अगर इस तरह से वर्क करते हैं तो जो है हमें बहुत आसानी हो जाती है। अगर हम इस तरह से वर्क करते हैं तो प्लस 24 इंच ये हमारा सेम पैटर्न रहेगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको बातें समझ में आती होगी। अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि डाउट है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा प्लस 24 इंच है, यहाँ पर पट्टी इन प्लास्टर यानी कि जो प्लास्टर है उस पर ये इस तरह से पट्टी होगी। अगर जैसे सामने से सुपरविजन होता है तो इस ज्यादा बेटर लगता है। यहाँ पर 6 इंच रहेगा प्लस में, यहाँ पर ग्रुप जो है हमारे 8 इंच है सेंटर टू सेंटर। सेंटर टू सेंटर का मतलब आप समझ चुके होंगे, जो हम स्पेसिंग डालते थे स्लैब में उस हिसाब से। यहाँ पर हमें हैंड रेलिंग मिल जाती है, ये पिल्लर है हमारा जो कि 8x8 इंच का है। इस तरह से आपकी ये एलिवेशन और प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।